तो इस वीडियो में मैं आपकी गाड़ी के टायर के अलाइनमेंट को ना करवाने की वजह से होने वाले वेयर आउट की बात नहीं करूंगा, बल्कि मैं बात करूंगा टायरों के अनइवन वेयर आउट की, जिसको आपने सही करने के लिए आपको टायर के रोटेशन की ज़रूरत पड़ती है। टायर के रोटेशन में होता क्या, आपका जो टायर है वो प्रॉपरली वेयर आउट होता है, वो यूनिफॉर्मली वेयर आउट होता है, ताकि जब आप गाड़ी के टायर चेंज करें तो चारों टायर आप एक साथ बदल पाएं, क्योंकि चारों टायर आपके बराबर घिसे हुए हों। तो चारों टायर एक साथ लगाने से, एक साथ बदलने से आपकी गाड़ी की ग्रिप अच्छी खासी बनी रहती है, और अगर आप गाड़ी कम चलाते हैं तो आपके जो चारों टायर हैं वो टाइम पे चेंज हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके दो टायर आपने चेंज कर दिए, दो टायर आप 5 साल के बाद करते हैं, जबकि आपकी 5 साल के बाद जो है टायर एक्सपायर हो चुके होते हैं। चारों टायर अगर बराबर घिसेंगे तो आपके जो टायर चेंज करने का ड्यूरेशन है वो भी लंबा हो जाएगा, आपकी गाड़ी ज़्यादा किलोमीटर तक उस टायरों में चल सकती है। तो बहुत से लोग क्या करते हैं, वो टायर रोटेशन को अवॉइड करते हैं। नॉर्मली ये सर्विस का पार्ट है, 7 से 8 हज़ार किलोमीटर में टायर रोटेशन होनी चाहिए। तो क्यों होनी चाहिए वो अब मैं आपको बताता हूँ। टायर के अनइवन घिसने के 3 सबसे बड़े रीज़न हैं, वो अब मैं आपको बताता हूँ, ताकि आपको समझ में आ सके और आप इसे चाहकर भी अवॉइड ना कर पाएं। तो सबसे बड़ा रीज़न है आपके ड्राइव व्हील, यानी कि आपकी गाड़ी 2 व्हील ड्राइव है, चाहे वो फ्रंट व्हील ड्राइव हो चाहे वो रियर व्हील ड्राइव हो। जो ड्राइव व्हील होते हैं, मतलब जो गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, जिनमें इंजन की पावर ट्रांसमिट होती है, वो टायर जो नॉर्मल टायर हैं, जो कि खाली लगे रहते हैं गाड़ी में, उससे ज़्यादा घिसते हैं, क्योंकि उन्हीं टायर के घूमने की वजह से जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है वो गाड़ी को आगे को धकेलता है या फिर पीछे को धकेलता है। तो वहाँ पर जो टायर की रबर है वो ज़्यादा घिसती है। और जो दूसरा सबसे बड़ा मेन रीज़न है वो गाड़ी का वेट, यानी कि जिस टायर पर ज़्यादा वेट होगा वो ज़्यादा घिसेगा। यानी कि अगर आगे इंजन है और आप गाड़ी अकेले चलाते हैं तो आपके आगे के जो टायर है वो ज़्यादा घिसेंगे। आप अपनी गाड़ी के बूट में बहुत ज़्यादा सामान लेके चलते हैं तो आपकी गाड़ी का बूट जो है, सॉरी, आपकी गाड़ी के जो पीछे वाले टायर हैं वो जल्दी घिसेंगे। और जो तीसरा सबसे बड़ा रीज़न है, आजकल आपने नोटिस किया होगा जो पीछे की गाड़ियां हैं उसके टायर हल्के से टिल्ट रहते हैं, इस तरीके से नीचे वाला हिस्सा हल्का सा बाहर रहता है, ऊपर वाला हिस्सा हल्का सा अंदर रहता है, जिसको नेगेटिव कैम्बर भी बोला जाता है। और इसके ऊपर मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया है, उसमें आप जान पाओगे कि ये क्यों करा जाता है, और ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिलेगा। और नेगेटिव कैम्बर के कारण भी जो है टायर, खास करके पीछे वाले टायर का वियर आउट अनइवन होता है, अंदर की तरफ से टायर ज़्यादा घिसता है। इसलिए अगर आप टायर को प्रॉपरली और टाइम टू टाइम रोटेट करवाते रहेंगे तो ये चीज़ें बैलेंस हो जाती हैं। और टायर रोटेशन किस तरीके से करा जाता है, आपको स्क्रीन में ये डायग्राम दिखाई देगा। आपको कौन सा टायर कहाँ लेकर जाना है, कहाँ पर लगाना है, वो इस डायग्राम में अच्छा खासा समझाया है। और आपकी गाड़ी, कोई सी भी आपकी गाड़ी हो, आपके ओनर मैनुअल में भी ये आपको मिल जाएगा। और जब आप गाड़ी की सर्विस करवाते हैं तो आप उनको बोलेंगे कि इस सर्विस में मेरा टायर रोटेशन को भी कंसिडर करिए, तो वो अपने आप कर लेंगे। और बाहर टायर शॉप वाले भी आपका जो है टायर रोटेशन आसानी से कर देते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि टायर रोटेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है और कैसे किया जाता है और क्या रीज़न होते हैं जिसके कारण टायर अनइवन वेयर आउट होते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय।